हाँ, उड़ाने का मौका मिलता है। क्या बात है भाई। और अब्बास भाई आप तो आ गए माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा लगा आपको। अब्बास भाई काफ़ी अरसे के बाद जो है ना आइसक्रीम ट्राई करते हुए। अब्बास भाई अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और फाइनली ईद का दिन आज स्टार्ट हो चुका है, नमाज फजर की हमने अदा कर ली है, अब हमने जाना है सूट वूट पहन के, तैयारी करनी है और नमाज पढ़ने के लिए जाना है। तो चलो होते हैं रेडी। ये आ गया है सूट और ये माशाल्लाह वॉच, और ये हो गए हैं हम रेडी, बटन बटन लगा लिए हैं। भाई बताओ सूट कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई तैयार हो गया है, कपड़े वगैरह ईद के पहन लिए, अब जा रहे हैं हम नमाज़ पढ़ने की तरफ। चलो भाई पहले नमाज। यार तैयार होने के बाद हम अब मस्जिद की तरफ जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और आपको दिखाऊं कि ये मस्जिद में आप लोग देखें माशाल्लाह कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ईद का मौका हो या जुम्मे का मौका हो, इस तरह लोग आपस में जमा होते हैं, का सब लोग माशाल्लाह नए कपड़ों के साथ यहाँ बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे यहाँ देखें रश देखें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ईद का मौका, ये दूसरी छत हमारी मस्जिद की जो है ना फुल हो जाती है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ हो गई है और सब मिलन जो है ना जारी है, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं ईद, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सब आपस में, ये एक ईद का ऐसा दिन होता है कि सब आपस में मिल रहे होते हैं। हम आपको नीचे दिखाएं, सारे लोग जो है ना अब जा रहे हैं घरों की तरफ, हमारे अबीद भाई सब मिल रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ईद मुबारक, ईद मुबारक। बहुत अच्छा लग रहा है जब आपस में आप मिलते हैं काफ़ी अरसे के बाद, इस तरह गले मिलना, अनजान लोगों से, कोई आपको जानता है नहीं जानता लेकिन आप मिल रहे होते हैं माशाल्लाह। भाई अभी हम आ चुके हैं आपकी सिस्टर के घर, और यहाँ पे हमारे शादे हैं, आप तो देखें माशाल्लाह किस तरह प्यार प्यार होकर यहाँ पे खड़े हैं। हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कब जो है ना उनको ईदी देंगे, ईदी तो खैर दे दी, लेकिन हमारे शाहजहान खान कितने प्यारे लग रहे हैं देखिए तो सही। वे मामू कोई तो ईमेल सलामों का मामला, सलामों का ओका बोल ला सर ओका सलामों का। अरे यार दूसरे हाथ के साथ कर ये वाले, ए हुई ना बात, ईद मुबारक, ईद मुबारक। चल अभी मामू जा रहा है एक और जगह पे, ठीक है चल, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। भाई रिश्तेदारों से मिलने मिलाने के बाद आपका भाई चला गया सोने के लिए, और सारा दिन सोया रहा क्योंकि आपको पता है रमज़ान के फौरन बाद बड़ी थकन होती है, और फिर नींद इस तरह आती है आपको कि बस आप कहते हो कि बस इस तरह हो और हम हो। बस शाम हुई असर की, नमाज़ पढ़ने के बाद में अपने दोस्त के पास चले गए हमारे प्यारे रिश्तेदार, और ये हमारे नए मेहमान आए हैं यहाँ पे, आपसे उनका तारुफ करवाने जा रहा हूँ। हांगकॉन्ग से आए माशाल्लाह, मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरी कज़न भी हैं, सब कुछ है, क्योंकि हमारा बचपन एक साथ रहा है, हम साथ ही बड़े हुए हैं। और आज मुझे ईद अच्छे से, मैं कह रहा हूँ अच्छे से गुजारने का मौका मिला क्योंकि ये आए हैं। वैसे तो मेरी काफ़ी ईद बोरिंग होती थी, और उनके हमारे माशाल्लाह ये हैं अब्बास भाई, हाय कर लें अब्बास भाई, ये आए हैं हांगकॉन्ग से, और इनके भाई अब्बास भाई कैसे हैं आप? अब्बास भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बस भाई यही यही चीज़ चाहिए। पास के एक भाई हैं अनीस रहमान, वो भी हमारे काफ़ी कहते हैं ना दिल के काफ़ी करीब हैं, उनके बगैर भी मज़ा नहीं आता। बस ये चले गए हमारे हमारे मोहल्ले से चले गए, मतलब हमारे इतना कितनी दूरी हो गई हम हमारी आपस में कि बस दूरी आपको पता है फिर ये चीज़ें हो जाती हैं। खैर अभी हम आए थोड़ी बहुत पेट पूजन करने के लिए, ये पता नहीं कौन सी जगह हमारे करीब में है, शाह लतीफ़ टाउन, शाह लतीफ़ टाउन में ये वाकया है, कोई बार भी है, फास्ट फूड है, यहाँ पर सारी चीज़ें लगी हैं, कुछ इस तरह का है। काफ़ी अरसे बाद आपके भाई ने फास्ट फूड ट्राई किया, क्योंकि भाई फास्ट फूड वगैरह बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, और हमारे पास ये छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। बेटा क्या करने आए हो? हाँ यार सलाम तो करो हमारी वीडियो में। हाँ ये खिलाने, आज कौन खिला रहा है? खिलाएगा कौन, तुम खिलाओगे ये खिलाएगा? हाँ उमर खिताब, उमर खिताब खान, UMERKHIDAB। ये प्यारे प्यारे बच्चे आज इंजॉय कर रहे हैं, ईदी कुछ ज़्यादा मिल चुकी है इनको, और ये ईदी यहाँ पे जो है ना फास्ट फूड पे उड़ाने आए हैं, वह यही इंजॉयमेंट है, इसके बाद क्या इंजॉयमेंट है? फिर जाके कोई अंडे संडे वाला बर्गर खा रहे हो, तुम चिकन विकन खा रहे हो है? क्या
हाँ, उड़ाने का मौका मिलता है, क्या बात है भाई। और अब्बास भाई आप तो आ गए माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा लगा आपको, आपको देख के लेके आए यहाँ पे। बस यार ये वैसे मैं एंजॉय नहीं करता, ये आप आए सीरियसली, वैसे मैं किसी के साथ नहीं जाता, बस ये अकेले पर क्या कोई है नहीं ऐसा दोस्त यार जिसके साथ हम निकले। उमर खिताब भाई को रिक्वेस्ट की कि भाई कोई अच्छे से गोलगप्पे हों साफ से, वो भी खिलाएंगे आपको, क्योंकि गोलगप्पों का अपना मजा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, निकले पेरेंट ट्राई है दोस्तों के साथ अभी। चलो अच्छी बात। ओए ओए आवाज भाई, ये कैसा लगा आपको, चीज़ वीज़ है इसमें है, कुछ है मज़ा वो दाल, क्या बात है यार, ज़बरदस्त। ये केचप के साथ ना हो और मज़ा आएगा, वो है ना अजीत चौधरी आइसक्रीम है यार, दो आइसक्रीम लेनी है, आइसक्रीम दो। अब्बास भाई काफ़ी अरसे के बाद जो है ना आइसक्रीम ट्राई करते हुए, अब्बास भाई हांगकांग में ये चीज़ें नज़र आती हैं आपको, हांगकांग में आपको ये चीज़ें मिलती हैं, सुरूर है भाई इसमें, हाँ अपना ही सुरूर है, पाकिस्तान का अपना ही मज़ा है। बिल्कुल, खाने के बाद मीठा ओसम ओसम बहुत आला।